हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं MCQs की, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए गए हैं। तो आज बात करते हैं चैप्टर 8 की, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म ATP। तो इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, आइए नेक्स्ट चलते हैं। सिलेक्ट द मिसमैच, गैस वैक्यूल्स ग्रीन बैक्टीरिया, बी लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स एनिमल सेल्स, प्रोटिस्ट यूकैरियोटिस, डी क्या है मिथेनोजेंस प्रोकैरियोटिक। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में गैस वैक्यूल ये सही है, ग्रीन बैक्टीरिया, लेकिन जो ऑप्शन बी है ये इस ऑप्शन का गलत आंसर, गलत मतलब मिसमैच है, क्योंकि जितने भी एनिमल सेल्स होते हैं, एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं बहुत छोटे से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, या तो एब्सेंट होते हैं या फिर स्मॉल होते हैं, ठीक है, या तो छोटे होंगे या फिर एब्सेंट होंगे, ठीक है। तो उसका सही आंसर क्या था, बी। नेक्स्ट, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब रॉन्ग स्टेटमेंट देखते हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकैन। ये कुछ हद तक सही दिख रहा है अभी। पूरे क्वेश्चंस को, पूरे ऑप्शंस को देख लेते हैं एक बार, फिर बाकी देखते हैं। पाइली एंड फिम्ब्री आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल। पाइली और जो फिम्ब्री हैं ये मोटिलिटी और फिम्ब्री के लिए तो इन्वॉल्व होते हैं और स्टैटिक के लिए भी इन्वॉल्व होते हैं। साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल्स। देखिए तो इसका स्टेटमेंट सी सही है, स्टेटमेंट ए सही है, पाइलिन फेमरी मोटिलिटी ऑफ सेल ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसमें जो मोस्ट रॉन्ग आंसर आंसर है तो दोस्तों इसका रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, बी वाला रॉन्ग है, क्योंकि पाइलियो और फिम्ब्री जो होते हैं ये स्टैटिक के लिए इन्वॉल्व होते हैं। स्टैटिकनेस क्या, स्टैटिक मतलब ये सरफेस पे स्टिक करते हैं, ठीक है, सरफेस पे स्टिक करते हैं मतलब चिपकने के लिए, फॉर स्टैटिक। ओके, जबकि यहाँ पे लिखा मोटिलिटी, मोटिलिटी के लिए नहीं होती, मोटिलिटी के लिए फ्लैजिला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सेल ऑर्गेनल कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, सिंपल क्वेश्चन, लाइसोसोम इसका आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर, देखो सेमी ऑटोनोमस दोनों होते हैं, दोनों के दोनों सेमी ऑटोनोमस है, यानी कि सेल्फ रनिंग होते हैं, क्योंकि इनमें खुद का DNA होता है, खुद का RNA होता है, ठीक है। फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल ऑर्गेनल बट लैक प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी। ये स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, DNA तो ऑलमोस्ट प्रेजेंट होता है आप भी जानते हो, ठीक है, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी नहीं होती, ठीक है, इसीलिए इसका स्टेटमेंट ए सही है बट बी इज फॉल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ, अब माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ, देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये थोड़ा सा साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन में इन्वॉल्व होते हैं, साइटोस्केलेटन में, ठीक है। तो साइटोस्केलेटन में क्या क्या आता है, आपका सेंट्रियोल आता है, स्पिंडल फाइबर आता है, ठीक है, और सीलिया आता है, ठीक है। तो जिसमें ये तीनों हो वो उसका वही सही आंसर है, यानी कि तीनों किस में है, स्पिंडल फाइबर है, सेंट्रियोल है, सीलिया तीनों है, ये है, ठीक है। ओके, तो इसका राइट आंसर है डी, क्योंकि ये तीनों साइटोस्केलेटन का काम करते हैं। सीलिया भी एक तरह से इन्वॉल्वमेंट होता है, सेल के बाहर एक फ्लैजिला होता है और एक पैरामेशियम में ये सीलिया होते हैं, ठीक है, तो ये भी एक तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स क्यों होते हैं। आपने पढ़ा होगा सीलिया और फ्लैजिला में एरे होता है ना, 9+2 स्ट्रक्चर पढ़ा होगा आपने, तो सेम उसी तरह राइट आंसर डी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज एनक्लोज्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे सिंगल मेम्ब्रेन देखते हैं। देखिए क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन,
न्यूक्लियाई डबल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, तो बच रहा है हमारा लाइसोसोम। तो इसका सही आंसर है ए, लाइसोसोम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैच द कॉलम एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखते हैं इसका। थैलाकॉइड्स, थैलाकॉइड्स का क्या होगा? ए सी, ए का होगा थर्ड। क्रिस्टे, क्रोमेटिन, कंडेंस डीएनए। देखो सिस्टर्नी और क्रिस्टे में फर्क है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए थैलाकॉइड्स का ये, क्रोमेटिन ये, सिस्टर्नी वेट 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 समथिंग गॉन रॉन्ग, द कनेक्शन इज वीक एक्चुअली। ओके, सो देखिए क्रोमेटिन का होता है, थैलाकॉइड्स का होगा ये फ्लैट मेम्ब्रेन सैक इन स्टोमा, क्रोमेटिन का कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, सिस्टर्नी सिस्टर्नी गॉल्गी अपैरेटस का होता है, क्रिस्टी क्रिस्टी सिस्टर्नी याद रखिए, क्रिस्टी होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसका सही आंसर है डी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि नहीं फाउंड होता, वो उसका सही आंसर है न्यूक्लियर एनवलप। प्रोकैरियोटिक सेल की बात किया है, इसका मेन कैरेक्टर डिफाइन करता है न्यूक्लियर एनवलप को ही। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनेल विथ मेम्ब्रेनस आर, देखते हैं कौन से इसमें सारे जो कि मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन होता है, लाइसोसोम में मेम्ब्रेन होता है, गॉल्गी अपैरेटस में भी मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड, अगेन कौन सा होगा इसका सही आंसर? राइबोसोम्स, क्योंकि राइबोसोम्स फ्री स्ट्रक्चर है, इसके पास सरफेस पे ऐसे ही आता है एमआरएनए, फिर जाके प्रोटीन बनते निकलता है ना, इसलिए इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता। अब देखते हैं, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है राइबोसोम्स। न्यूक्लियर एनवेलप इज डेरिवेटिव ऑफ, अब देखिए न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डेरिवेटिव किसका है, तो वो डेरिवेटिव है किसका? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, अब देखते हैं, स्ट्रक्चर डेट आर फॉर्म्ड बाय स्टॉकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैटन मेम्ब्रेन सैक इन द क्लोरोप्लास्ट आर, क्या होगा? ग्रेना, क्या होगा? ग्रेना। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर्स, पेयर्स मैच करना। ठीक है, देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लूकोज, ये गलत है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑक्सीडेशन गलत है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक फॉस्फोलिपिड ऑक्सीडेशन फॉस्फोलिपिड गलत है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, ये सही है 15 का डी, क्योंकि ये सिंथेसिस करते हैं लिपिड का, ना कि ऑक्सीडेशन करते हैं। ओके, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ना कि ग्लाइकोजन। ओके, द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमेयर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड आर, क्या होगा? सिंपल एक्रोसेंट्रिक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोटिक, वो कौन सा ऑर्गेनल है जो कि प्रेजेंट नहीं होता मतलब प्रोकैरियोटिक्स में। ठीक है, इंक्लूजन की बात की है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्गेनल्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं उनके फिजियोलॉजी में, तो वो है पॉलीसोम्स। पॉलीसोम्स क्या होता है? चेन ऑफ राइबोसोम्स, चेन ऑफ राइबोसोम्स है ना, पॉलीसोम कहते हैं उसको। ठीक है, जो कि एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, द सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटन एलिमेंट हैविंग अ डायमीटर ऑफ 6 नैनोमीटर एंड मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर आर नोन एज,
18th, यह माइक्रोफिलामेंट। देखो माइक्रोफिलामेंट कहाँ है, देखिए एक होता है माइक्रोफिलामेंट, एक होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। वेट वेट वेट, तो ये इसका राइट आंसर है माइक्रोफिलामेंट। एक होता है माइक्रो माइक्रो, एक होता है इंटरमीडिएट, एक होता है माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, तो जो माइक्रो है वो 6 नैनोमीटर की है, 6 nm। ठीक है, जो इंटरमीडिएट है वो अबाउट 9 to 11 11 नैनोमीटर की है, और जो मैक्रो होती है वो 12 to 15 नैनोमीटर की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 नैनोमीटर का है तो इसलिए माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ सेल केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय, किसके थ्रू रेगुलेट होता है, रेगुलेट होता है वैक्यूल्स की वजह से, क्योंकि जैसे ये सेल में अगर एक बड़ा सा वैक्यूल होगा तो मैक्सिमम स्टोरेज कर लेगा वाटर का। ठीक है, जिसकी वजह से इसका रेगुलेशन हो जाएगा वाटर का। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गॉल्गी कॉम्प्लेक्स प्ले अ मेजर रोल, अब गॉल्गी कॉम्प्लेक्स का मेजर रोल क्या है, देखिए लास्ट देखते हैं, ये तो नहीं होगा। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट नहीं करते भाई, ट्रैपिंग ऑफ लाइट ये भी नहीं होगा। ठीक है, द पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन प्रोटीन ग्लाइकोज, ये सही ऑप्शन है, क्योंकि गॉल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, जैसे ये मान लो है तो इसके बाद गॉल्गी कॉम्प्लेक्स होगा ना, ऐसे ऐसे गॉल्गी कॉम्प्लेक्स होगा, मैं इस इमेज का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो गॉल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, यहाँ से प्रोटीन को लेगा और फिर प्रोटीन को ट्रांसफर करेगा पैकेज के फॉर्म में। ठीक है, ठीक है, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड्स का काम करता है, मतलब ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसिडेशन दो प्रोसेस करता है गॉल्गी कॉम्प्लेक्स हमारा, तो इनमें से ग्लाइकोसाइलेशन है, मतलब ग्लूकोज का मॉडिफिकेशन करेगा और प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इन द फिगर करेक्टली मैच विद इट्स फंक्शन, ठीक है देखते हैं। गॉल्गी अपरेटस प्रोटीन सिंथेसिस, गलत है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, देखो ग्लाइकोप्रोटीन नहीं बनाता, ग्लाइकोप्रोटीन हमारा गॉल्गी अपरेटस बनाता है। ठीक है, तो ये भी गलत है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये सही स्टेटमेंट है। गॉल्गी अपरेटस फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स जबकि ये नहीं करता, ग्लाइकोलिपिड्स कौन बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अ मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज SER, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, SER। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म ग्लाइको कैलेक्स इज यूज फॉर, टर्म देखो ग्लाइको कैलेक्स क्या होता है, एक आउटर वॉल होता है बैक्टीरिया में। ठीक है, इसका सही आंसर है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, एक लेयर होती है सराउंड करती है। देखो एन, ये जो एन ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन है ना, ये तो ऑलमोस्ट सेल वॉल है, सेल वॉल बैक्टीरिया तो होगा नहीं। ठीक है, ये भी नहीं है, तो एक लेयर सराउंड करती है सेल वॉल के, जिसको ग्लाइको कैलेक्स कहा जाता है, थोड़ी हार्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लास्टिक डज नॉट कंटेन स्टोर्ड फूड मटेरियल, ऐसा कौन सा है जो कि फूड कंटेन नहीं करता, देखो बात करते हैं। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन का स्टोरेज करता है, प्रोटीन का। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च, ठीक है स्टार्च। इलायोप्लास्ट लिपिड, जबकि क्रोमोप्लास्ट कोई स्टोरेज नहीं करता, तो इसका सही आंसर यह है। ठीक है, सो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोस में, अगले चैप्टर को लेकर मिलते हैं। ठीक है, ओके, सो गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो तब तक के लिए चलते हैं, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ और क्रैक करिए नीट 2020। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द नीट, अब तो पोस्टपोन हो गया, मजे से करेंगे।